आज हम पढ़ेंगे सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। इसका हम पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये होता क्या है। फिल्म्स जब रिलीज़ होती है तो उसके लिए फ़िल्म के डायरेक्टर को सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और सर्टिफिकेट लेने के बाद ही वो फ़िल्म रिलीज़ होती है। इस एक्ट को इसलिए बनाया गया ताकि वो फिल्म्स को रेगुलेट कर सके। फिल्म्स को तभी रिलीज़ किया जा सकता है जब वो सर्टिफाइड हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया है, बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसके अंदर एक चेयरमैन और 12 से 15 लोग हो सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई और नो रीजनल ऑफिस हैं। इस एक्ट को लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम फिल्म देखते हैं तो वो हमारे माइंड और बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालती है। अब हमारा पहला पॉइंट है बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बना रखा है फिल्म्स को सैंक्शन करने के लिए, बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। बोर्ड के अंदर एक चेयरमैन और 12 से 15 लोग हो सकते हैं। सेकंड है एग्जामिनेशन ऑफ फिल्म्स। जिसको भी अपनी फिल्म रिलीज़ करनी होती है उसे एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है ताकि उन्हें सर्टिफिकेट मिल सके। फिर बोर्ड फिल्म को एग्जामिन करता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि सर्टिफिकेट ग्रांट करना है या नहीं करना है। बोर्ड फिल्म को सैंक्शन करता है या फिर मना कर देता है सैंक्शन करने से। जब वो सैंक्शन करता है तो उसमें सिर्फ तीन चीज़ें होती है, अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन रेस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट्स और पब्लिक एग्जीबिशन रेस्ट्रिक्टेड टू एनी प्रोफेशन। ये हम आगे पूरे ब्रीफ में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, सर्टिफिकेशन ऑफ फिल्म्स। बोर्ड फिल्म को एग्जामिन करने के बाद सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है डायरेक्टर को। अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन यानी कि यू सर्टिफिकेट, इट मीन्स कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी इस फिल्म को देख सकता है। फिर पब्लिक एग्जीबिशन रेस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट्स, इसका मतलब है कि सिर्फ 18 साल से ज़्यादा के बच्चे उसे देख सकते हैं। उसे ए सर्टिफिकेट मिलता है। जो फिल्म 12 साल से कम के बच्चे पेरेंट्स की निगरानी में देख सकते हैं उन्हें यू ए सर्टिफिकेट मिलता है, और जो फिल्म किसी प्रोफेशन के लोगों के लिए बनी होती है या जो किसी प्रोफेशन के लोग देख सकते हैं उन्हें एस सर्टिफिकेट मिलता है। जो भी डिसीज़न होता है बोर्ड का सर्टिफिकेट से रिलेटेड कि उन्हें सर्टिफिकेट ग्रांट करना है या नहीं, उसे गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। जो सर्टिफिकेट बोर्ड ग्रांट करती है वो 10 साल तक इंडिया में वैलिड होता है। अगर बोर्ड, अब हमारा पॉइंट है अपील, तो अगर बोर्ड जो है कोई सर्टिफिकेट देने से मना कर देता है या फिर किसी कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट दे देता है जैसे ए एस या यू ए सर्टिफिकेट ग्रांट कर देती है या फिर कोई मॉडिफिकेशन करने के लिए कहती है, तो इससे अगर डायरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकता है। अपेलेट ट्रिब्यूनल में एक पेटिशन लिख सकता है और उसमें ब्रीफ स्टेटमेंट देना पड़ता है कि आप बोर्ड के डिसीज़न के खिलाफ आपने अपील क्यों दी। 1000 की फ़ीस भी उसमें शामिल होती है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अपेलेट ट्रिब्यूनल। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक अपेलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करती है जिसमें बोर्ड के अगेंस्ट जो अपील्स हैं उनकी सुनवाई होती है। न्यू दिल्ली में अपेलेट ट्रिब्यूनल का हेड ऑफिस है। इसके अंदर एक चेयरमैन और 4 दूसरे मेंबर्स होते हैं। फिर आता है हमारा सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। जिस फिल्म के लिए बोर्ड ने सर्टिफिकेट ग्रांट किया था उसकी जगह कोई और फिल्म रिलीज़ की जाती है या फिर इस एक्ट का कोई भी प्रोविज़न तोड़ा जाता है, कोई भी प्रोविज़न तोड़ के फिल्म रिलीज़ की जाती है, या फिर सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिल्म का कोई पार्ट चेंज किया जाता है जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट का उल्लंघन करता हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट सस्पेंड कर सकती है या कैंसिल कर सकती है। इसके लिए उन्हें जिसके नाम पर सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ है उसकी ज़रूरत होती है। जिस ड्यूरेशन के लिए सर्टिफिकेट सस्पेंड किया जाता है तब तक वो फिल्म एक अनसर्टिफाइड फिल्म कहलाती है। अब आता है हमारा रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी पर्सन को जिसे फिल्म के राइट पास किए जाते हैं या जिस एप्लीकेंट को सर्टिफिकेट मिलता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से पीड़ित है या खुश नहीं है, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, वो भी 60 दिन के अंदर अंदर जब ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया हो। अब है हमारा पॉइंट पेनल्टी। तो अगर कोई किसी फिल्म के लिए सर्टिफिकेट दिया गया है, जिस फिल्म के लिए सर्टिफिकेट दिया गया है उसके अलावा कोई फिल्म किसी भी जगह रिलीज़ करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है।
1 लाख तक का फ़ाइन हो सकता है या फिर फ़ाइन और जेल दोनों हो सकती है। अगर ऑफेंस जो होता है वो कंटिन्यू रहता है तो जब तक ऑफेंस ख़त्म नहीं होता तब तक के लिए पर डे 20,000 रुपीज़ उन्हें देने होते हैं। फिर आता है पावर ऑफ सीज़र। इस एक्ट के किसी भी प्रोविज़न का उल्लंघन किया गया, जैसे कि कोई एडल्ट फिल्म है, अगर किसी ऐसे इंसान को दिखाई जाए जो कि एडल्ट नहीं है, 18 साल से कम का है, तो पब्लिक ऑफिसर उस जगह को ढूंढकर फिल्म को सीज कर सकता है। फिर आता है सिनेमेटोग्राफ एग्जीबिशन टू बी लाइसेंस्ड। फिल्म को रिलीज़ करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसे किस जगह दिखा सकते हैं। लाइसेंस ग्रांट करने की पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है। अब आता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू सस्पेंड एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स इन सम केसेस। किन किन केसेस में एग्जीबिशन सस्पेंड किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? अगर फिल्म के कारण किसी भी तरह की शांति भंग होती है या देश को नुकसान पहुंचता है तो उस फिल्म को 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंशन पीरियड में वो एक अनसर्टिफाइड फिल्म कहलाती है। थैंक यू।